Hey friends, good morning. Welcome back to my channel. Hey friends, good morning. Welcome back to my channel. This is Shruti. मैं अभी बहुत ज़्यादा नींदों में हूँ. बहुत बड़ा पोपट हुआ कल मेरे साथ. हम लोग 1 बजे घर आए, 2 बजे तक, 3 बजे तक एडिटिंग की, फिर 4, 5, 6 बजे फिर उठ के फिर एडिटिंग की, और फिर एडिटिंग करते करते मैं सो गई और एडिटिंग पूरी नहीं हुई, एक्सपोर्ट होकर चुकी, और फिर मैंने बाद में पोस्ट की. इतनी तेज नींद आ जाती है यार. ओ बाऊजी, मेरी झाड़ू छोड़ दे. ओए, तूने सारी झाड़ू खा ली यार. इसकी नोजी कैसे चलती है. इसके लिए ना घास भी ले आते हैं, टमाटर, खीरे, पालक, धनिया, और एक चीज और होती है, उसका नाम मैं भूल गई, वो सब लेके आते हैं. और फिर भी ये उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, वो सब यहाँ पड़ी रहती है, और ये सारी रात में खत्म करता है उनको, धीरे 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 पड़ी रहती है. लेकिन फिर भी दूसरी चीजें जरूर खाएगा, ये झाड़ू खाएगा, पेपर खाएगा. चला है आगरा, तो उससे पहले मुझे अपनी सारी चीजें सेट करनी हो पड़ रही, तो मैंने वो कर लिया. ये वाला टेबल है, इसको पोंछना है अच्छे से, और ये सब जो लगे हुए ना कलर, इसको रिमूव करना है. फर्श मैंने साफ कर दिया, मेरा बेड भी साफ हो गया. उधर सोफे कवर लगाने हैं, वो धुल लेंगे कल परसों या जब भी. इसको भी मैंने साफ कर दिया, यहाँ से भी साफ हो गया. बस अब नहा के जाएंगे हम मार्केट, मार्केट के बाद जाएंगे मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर. ईशा, सुजाता और मैं, हम दोनों जाएंगे क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, तो उससे मिलेंगे. टाइम ही नहीं लगता यार. तो अभी मैं अपनी गंदी सी शक्ल सुधार के आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे. चले क्या भी मोहरत निकालेगी? नहीं, मैं चश्मा डाल के देख रही थी. खा क्या रही थी तू? केक खाया था. चल अब जल्दी. मैंने सो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट के बाद चलेंगे ईशा के घर. यार बहुत सारा सामान लेना है यार, स्कूटी की चाबी फिर से ढूंढनी पड़ेगी. देखो कैसे बैठी है मम्मी. यार मम्मी कितनी अच्छी हवा चल रही है. मेरा बुग्गा कमरे में ही था, इसे एक बार ऊपर छोड़ देती हूँ और फिर चलते हैं. तो मेरे बच्चे, ओए देखो इसे, भाग मत, रुक जा, ओए इसे संभालो. फिर मैं उधर ही देखूंगी अंकल को. क्या इसमें कलर तो ज्यादा, इसे बिल ही फट गया. मैंने इतना निकाल दिया, फिर अंकल ने बाद में इतना निकाला. अब इसके कुछ भी नहीं है. मम्मी बार्गेनिंग कर रहे हैं, 320 ओनली. मेरे को बोलने दो. ताई मम्मी भी लाइक, ताई मम्मी वो रिश्तेदार हैं जो बोलते नहीं है, पहले बोलते बेटा खा लो, फिर मना कर देते, नहीं खाना नहीं खाना, फिर वो पीछे कर लेते हैं. ताई मम्मी वो वाले हैं, बेटा तू खा, बेटा खा, तू खा के चाहिए. रिश्तेदार नहीं है ना, ताई मम्मी ताई मम्मा है, जो कि ताई मम्मी ताई रिश्ता ही होता है ये, तो वो वाले रिश्तेदार नहीं है ना, वो वही की तो मैं वही ताई मम्मी आ गया ना, फॉर्मेलिटी वाले रिश्तेदार. हां फॉर्मेलिटी वाले रिश्तेदार हैं. मैं वही तो कह रही हूँ. नहीं नहीं, ओके बाय. नहीं ओके बाय बाय. एक तेरे लिए, एक तेरे दोस्ती के नाम, एक तेरे जाने के नाम. ये केक वाले नहीं है. हाँ ये असली है, नकली वो नहीं है, खाने वाले नहीं है ये. तो खाने से मतलब है, इसको क्या करूंगी मैं, खा ले. नहीं खाना है. और पुराने सामान में से ना एक बहुत क्यूट सी चीज मिली है, मैं दिखाती हूं आपको. ये शूज है ना, पता नहीं 70 या 80 रुपीस के लाए थे, और मेरी बहन इसमें 70-80 रुपीस में भी मैंने और मेरी बहन दोनों ने पैसे जोड़े थे. मेरे भाई का फर्स्ट बर्थडे था तब हम लेके आए थे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में. लेकिन इसका एक जूता गुम हो चुका है, एक ही है. अभी मैं सुजाता के घर आई हूँ. पहले कोई है, समथिंग समथिंग.
ये लड़की हमेशा मेरा पोट करवा देती है। 50 रुपए दर्जन हो गया। ये दोबारा कभी नहीं आते इधर, आप लेने के लिए आएंगे आप। और फास्ट चलो चलो चले। यहाँ पे एक स्वीट पेट, ये स्वीट पेट है, एक ये ईशा का पेट है। भानी से जरूर मेरा, पता है मैं रैबिट को टच करती हूँ ना, वो बहुत सॉफ्ट है। अब मैं इसे टच कर रही हूँ, थोड़ा सा मतलब हार्ड सा फील हो रहा है। इसकी बॉडी में, उसकी बॉडी में बहुत डिफरेंस है ना। हाँ मेरे को बस वही, मेरे हाथों में वही फील है रैबिट वाला। क्योंकि वो तेरा पेट है ना। हाँ ये देखो ईशा के बुक्स, ये तो एक सिंगल बुक है, यहाँ पे भरा पड़ा है। पहन ये इग्नोर कर रहा है भाई तुमको, ठीक है। ये इसको भी अपनी नींद से बहुत प्यार है मेरी तरह, इसका कोई मैटर नहीं है तेरे कितने सब्सक्राइबर है। ये अपनी नींद को बहुत प्यार करता है, मेरा बच्चा बहुत प्यार करते हैं हम अपनी नींद से, है ना। हेलो, इसको बहुत सारी चोट लगी हुई है यार। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो। मैं शायरी भूल की थी, अब याद आ गई, मैं ही बोलने वाली। आगे सुना, याद आ गया अब तो। नहीं मुझे इतने, मैंने इतनी सुनी, याद आ गया। ये नंबर बना रही है, ये बैठ के कुछ नहीं कर रही। ईशा बीमार है, ठीक है, बट उसने व्लॉग में आने को मना कर दिया, पता नहीं क्यों। और हम घर आए तो वही काम कर रही है, पर अब तो हैं। हाँ और हम बैठे हैं। आज मैं अपना एक सपना पूरा करने वाली हूँ। ऐसा सपना? सीरियसली वो मेरा ड्रीम है पिछले 2 सालों से। थैंक यू। माउंटेन ड्यू तो है नहीं, ये पीने काम करा। लस्सी एक बार ना, मैं छोटी सी तो मैं ताऊ जी के घर पे थे। अच्छा। बहुत सारे। अच्छा। और मैं उनके पीछे पीछे भागी जिनको पकड़ने के लिए, और उन्होंने इतनी बुरी तरीके से खरोचा। वो तू प्राइवेसी देख रही थी उनकी, है ना। वो नहीं चाहते थे तू उनके प्राइवेट टाइम में आए। ओ माता, कंफ्यूज्ड। हेलो ए आवला बच्चा, इसको भी फील आ रही है, ये फील ले रहा है भाई। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना सपना पूरा करने। वो देख मेरे को चप्पल दे बुआ। यार ये ना बहुत फास्ट चलता है, ये जगह बहुत पीसफुल है यार। यार ये लॉयन की तरह मटक मटक के चल रहा है। ऐसे चलता है लॉयन भी, मैंने देखा है उसकी चाल ऐसे। भाई ये मुझे ही धक्का क्यों जा रहा है, ये दूसरी बार वहां भागे मेरे को धक्का दे के। फाइनली मेरा सपना पूरा होगा, मैं बहुत खुश हूँ। यार मतलब थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा सपना कभी किसी ने नहीं लिया होगा। जो मेरा ड्रीम है ना, ये दुनिया का सबसे डिफरेंट ड्रीम है, ऐसा ड्रीम कभी किसी ने नहीं लिया होगा। हाँ मस्त लव मस्त पिक्चर आ रही है यहाँ पे, तेरी खींच दूंगी। मेरी तो लेनी पड़ेगी तुमको, थंबनेल यहीं का डालूंगी मैं। चल चल। तो गाइस ये देखो, ये है मेरा ड्रीम, मुझे इन पेड़ों के बीच में जाना था। मैं जब भी ना बाहर से कहीं जाती थी ना, मतलब ऐसे खेतों वाली जगह पे ऐसे ऐसे पेड़ लगे होते हैं, और मैं इनको देखती हूँ, मेरा बहुत मन करता है कि मैं इनके बीच में जाऊँ। ओ माय जन्नत, यू आर माय छोटा सा सपना। नीचे से आ रही हूँ अपने सपने के अंदर, मेरा सपना। चिल्ला के लिए ओए, यहाँ पे सांप सांप तो नहीं आ जाएंगे? आ सकते हैं, सूंघ सांग गया तो। वही तू सूंघ गया तो पेड़ मेरे पेड़।
मतलब है ना, एक तो हाइट भी ऊपर दिखेगी। ये कौन सा बनाया भाई? आगे भी जा। अरे जाऊंगी मैं, कुछ कहने आई थी। सुनो मेरी ना रील बना दे, मैं वहां से भाग के आऊंगी। कोई भी गाने लगा दी, गाने में एडजस्ट कर लूंगी बाद में। लगा बना दे तू, वीडियो बना दे तू, बाद में कर लियो तेरा। मैं वीडियो अपना बना देती हूँ, बाद में एडिटिंग कर में कर लियो। नहीं स्नैपचैट, उसमें इंस्टाग्राम में ना फिल्टर मस्त आता है, तो वो फिल्टर बाद में लग सकता है। नहीं तो तू अभी लैंडस्केप पे शूट कर दिया ना। सपना पूरा हो चुका है और इस सपने के साथ मैंने दो चार फोटो भी ले ली और मैं थक गई यार। इन्होंने मुझे ना दूर से भगाया, कहते भाग के आए रील बनाएंगे, और मैं भाग के आई वही ऐसी रील बनी, मेरा मुँह ही नहीं दिख रहा। हम तीनों ने बाथरूम स्लीपर्स पहन रखी है और सुजाता कह रही है कि चलते हुए ना तीनों की वीडियो बनाएंगे पैरों की। ओ मम्मी बहुत धूप हो रही है। थोड़ी देर पहले हवा चल रही थी यहाँ पे मस्त जब हम यहाँ बैठे थे, बट अब धूप हो रही है तब चलेंगे घर। मास्क मेरी जेब में, ये देखो मेरी स्कूटी चलाने के लिए लाई है और चाबी लेनी है। वाओ क्लैपिंग ले चाबी। तो मैं घर आ चुकी हूँ फाइनली। सब कहा है? हाँ फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।